भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद स्वदेश में अपनी पहली यात्रा पर मैं कर्नाटका के आप सभी भाई बहनों के बीच आई हूँ। कल मुझे मैसूर में देवी चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मेरी ये यात्रा माता चामुंडेश्वरी की कृपा से तथा कर्नाटकवासी भाई बहनों के स्नेह के कारण संभव हुई है। मैं जब यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रही थी, दोनों रास्ता के दोनों तरफ छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, शहर के सभी विशिष्ट लोग और जितने भी कर्नाटका के जितने भी संस्कृति मुझे दिखाई थी, उनके मन में खुशी था, आनंद था मुझे स्वागत करने के लिए। वो इतने भीड़ किए, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका स्नेह का, उनका प्रेम का मैं ऋणी हूँ अपनी इस यात्रा के लिए तथा आज के इस अभिनंदन के लिए राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी तथा कर्नाटक का सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में आप लोगों को परिचय दिया। मुझे बहुत सारा महिमा मंडप किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो हुई हूँ, जैसे भी हूँ, आपके हूँ, आपके सेवा में हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कर्नाटका में आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारा देश राष्ट्रीय प्रगति के अमृत काल से गुजर रहा है। ये उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में कर्नाटका की विभूतियों ने असाधारण योगदान दिया है। रानी अवक्का, रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना की वीर गाथाएं सभी भारतीयवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी द्वारा दिखाई गई सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाले होड्डेकर मंजोपा, टोकडुरु रामचंद्र राव तथा यशोधरा दासप्पा का जनमानस में आदरणीय स्थान है। महात्मा गांधी के आह्वान पर किए गए ध्वज सत्याग्रह की स्मृति में शिवपुरा में निर्मित सत्याग्रह सौध के तीर्थस्थल की तरह सम्मान होना चाहिए। किशोरावस्था में ही देश की स्वाधीनता के लिए आत्मबलिदान करने वाले बाणाबारा रामस्वामी जैसे अमर शहीदों को भारतवासी सदैव याद रखेगी।